थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपका भी बहुत शुक्रिया बेला जी आपकी टीम का आप लोगों का जो घर पे हमें देख रहे हैं आप लोगों की मोहब्बत का आप लोग हमें अपना टाइम देते हैं और हमारे शो को बेहतर से बेहतर करी जाते हैं और इसी के साथ कहना चाहूंगा एक दफा फिर वेलकम टू हथ कर दी वो आप लोगों के साथ ये वक्त गुजार कर ये शो कर कर एक रिश्ता आप लोगों के साथ बन गया रिश्ता सा बन गया आप भी जोहर में बैठे कह रहे होंगे ये कौन सा रिश्ता है मोमिन नाम तुमसे मिले ना हमारी तुमसे बात होती है रिश्ते वही नहीं जिनमें मुलाकात हो रिश्ते ऐसे मुलाकात के बगैर भी हो जाते हैं रिश्ते इस तरह ऑफ स्क्रीन एनर्जी से भी हो जाते हैं रिश्ते दुआओं से बन जाते हैं फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा यार जहाँ पे ज्यादा बेहतर रिश्ता होता है ना वहीं धोखे मिलते हैं मैंने कहा मेरी जान जिंदगी ने दिए बड़े बड़े धोखे कोई बात नहीं इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके तो मेरी जान कोई बात नहीं इट्स ओके आप हमारे साथ इस शो में हैं हम आपके साथ हैं और आज के शो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी हमारे सेट पर आएगी एक बहुत पॉजिटिव इंसान हमारे साथ मौजूद होंगे एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं मॉडल हैं वीजे भी रही हैं बेशुमार मूवीज़ की ड्रामास की है, और हम सब के साथ आज मौजूद हैं आप लोगों की भरपूर तालीम आप लोगों की मोहब्बत के साथ इनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पर कैसी आप? जी, जी. Firstly, so ये ये शोर ये तालियां कैसा फील होता है जब लोगों से इतना प्यार मिल रहा हो बहुत अच्छा फील होता है Obviously, प्यार में तो हमेशा अच्छा फील होता है क्या बात है इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की एज वीजे

वो हो गया एंड एनऑल अच्छा कैमरे के सामने हो सकता है वैसे यू नो इट्स लाइक ट्रिकी फॉर मी मतलब मैंने बताया हमारी मेजोरिटी व्यूअरशिप यूथ की है तो हम सीखने की कोशिश करते हैं हर बात में से जिस तरह की आपने कहा कि जब तक उन्होंने कैमरा फेस नहीं किया था उनको लगता था मैं कैमरा चाहे गॉन इसलिए मैं कहता मेक योर से अनकंफर्टेबल जो भी तुम्हारा फियर है उसको फेस करो और वो खत्म हो जाए बिल्कुल तो इसी बात पे हमारे लोगों को जो इतने प्यारे लोग आज हमारे साथ हैं इनको अपने स्टाइल में वेलकम तो कर देना थैंक यू सो मच आप लोग आए हमारे शो के लिए थैंक यू प्रॉपर क्या यार थैंक यू <laughs> तो सबसे पहले तो मुझे बताएं आपकी एक मूवी आ रही है एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट द नेम इज आप लोग देखने जाएंगे हां हां तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि बेबी लिशियस वाज सपोज टू बी अ शॉर्ट फिल्म बट देन क्या था स्टोरी में ऐसा या क्या हुआ कि ये एक प्रॉपर फीचर फिल्म में तब्दील हो गई बेबी लिशस शॉर्ट फिल्म की तरह आई थी लेकिन जब हमने उसको पढ़ा तो हमने कहा इसमें इसका प्लॉट जो है वो थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करके इसको हम फीचर फिल्म बना सकते हैं तो फिर आ, उमर ईसा खान जो हमारे डायरेक्टर हैं वो इस इस आ, इस प्रोजेक्ट के बारे में इतने पैशनेट हैं कि उन्होंने कहा ठीक है मैं ये करूँगा तो उन्होंने उस स्क्रिप्ट को फिर से रीराइट किया डॉक्टर करवाया कोई पता नहीं कितने ड्राफ्ट्स लिखवाए तो फिर वो जाके फीचर फिल्म बनी अच्छा वेरी गुड तो मुझे ये बताएं कि नाम जो है बेबिलिशियस mm -hmm. मुझे लग रहा था डिलिशियस <laughs> तो मुझे ये पता चला कि आप नाम चेंज करवाना चाहती थी जी आई मीन I mean, आप आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है बेबिलिशियस के बारे में वेरी डिलिशियस या इट्स कैची इट्स कैची लेकिन आई डोंट नो I think जब तक फिल्म मैंने डबिंग नहीं की थी फिल्म की जब तक मैंने डबिंग पे फिल्म को नहीं देखा तब तक मुझे नाम समझ में नहीं आ रहा था जब मैंने फिल्म को देखा तो आई वाज तो ओके इट मेक्स सेंस और आई थिंक आप लोग को भी तभी समझ आएगा जब आप फिल्म देखेंगे उसकी वाइब के साथ मैच कर है। है, हमारी वाइब मैच कर रही है इसी तरह जब आप मूवी देखेंगे आपको मूवी की समझ लगेगी तो अभी आपको और भी बातें करेंगे मूवी के बारे में तो शो की शुरुआत करते हैं और इनको दावत देते हैं कि प्लीज थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर क्लैप्स बहुत ही मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है कि बहुत मजा आने वाला है और बहुत एक अक्सर कहते हैं ना एक पॉजिटिव और पॉजिटिव एनर्जी

डिफरेंट रोल्स करती रहा हूँ लाइक अगर मैंने एक्शन कर लिया तो फिर उसके बाद थोड़ा एक्शन से हट के अगर वो कर लिया तो फिर उससे कुछ और अगर मैं एक ही चीज बार बार करती हूँ वो मेरे लिए मोनाटनस हो जाता है तो मुझे अब जिस तरह थोड़ा नेगेटिव कर लिया थोड़ा एक्शन कर लिया सो आई आई एंजॉय एवरी थिंग एज लॉन्ग एज आई एम नॉट डूंग सेम थिंग अगैन एंड अगैन बड़ी बात कर दी समझो बच्चों सीखो जब लाइफ में प्रिडिक्टिबिलिटी आ जाए ना तो लाइफ बोरिंग हो जाती है यू कैन योर मॉर्निंग इवनिंग और जब जिंदगी में प्रिडिक्टिबिलिटी आ जाए तो कितनी बोरिंग हो जाएगी इसलिए कुछ डिफरेंट करते रहोगे तो लाइफ में खुश रहोगे इसलिए उन्होंने कहा कि एक्शन है लव स्टोरी है जो भी है मैंने लाइफ में कुछ डिफरेंट करते रहे थैंक यू क्या माशाल्लाह आजकल तो घर वाले ही दूसरी बार सालन नहीं पूछते इनकी बहन रिश्वा की वजह से आप एक्टिंग में आई तो ऐसे ही है हमने सुना अलिशबा की वजह से एक्टिंग एक्चुअली uh, उन्होंने पुश किया उन्होंने नहीं, नहीं उन्होंने पुश नहीं किया वो जा रही थी ऑडिशन के लिए अच्छा जी तो उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ और uh, मैं घर पे अकेली थी मैंने कहा आई जस्ट कम विद यू आई एम बोर्ड तो वहाँ पे फिर मुझे उन्होंने uh, फहद हुसैन जो अभी सिट्रस रन करते हैं सिट्रस उनका है, जो जो है जी बिल्कुल

अल्लाह आज़ ऑलवेज बिन काइंड लाइक दैट तो इट हैपन टू बी विद लेजेंड्री एक्टर्स समीना पीरजादा सकीना समो यू नो दुरदाना बट मेहसुलर रीस शगुफ्ता एजाज रुबीना अशरफ तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और आई थिंक क्योंकि जब आपके साथ इतने बड़े uh, होते हैं लेजेंडरी एक्टर्स तो फिर आप अपने बेस्ट बिहेवियर पर भी होते हैं

कि प्रडिक्टिटी नहीं होनी चाहिए जिसका मतलब वापस मूवी की तरफ जाना चाहूंगा कि आई एम श्योर कि इंशाल्लाह जब ये मूवी आएगी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी जो इसका आउटकम है कमर्शियली सक्सेसफुल होगी मूवी का जर्नी कैसा था शूट जर्नी बहुत लंबा जर्नी था क्योंकि पाँच साल का जर्नी था और यूजअली मूवीज हमने यू नो डेढ़ महीने में एक स्पेल में हम निकाल लेते हैं या फिर अगर दो स्पेल करने हो तो बट ओवरऑल आपको डेढ़ महीने से ज्यादा नहीं लगता

जी आपके साथ कभी ऐसा हुआ या ऐसा फील हुआ कि बहुत टफ हो रहा है और ये क्या पकड़ के फिरो फिर होता था कुछ कुछ टाइम जिस तरह जब हमें ट्रेनिंग कराते थे जो आ, जो उनके स्टाफ थे वो हमें जब आ, पूरी ड्रिल करवाते थे क्योंकि हमने जो उनकी पासिंग आउट सेरेमनी होती है आ, उस पर हमने पूरा उनके साथ हमने उनका पासिंग आउट सेरेमनी परफॉर्म किया right. तो उसकी पूरी ड्रिल की प्रैक्टिस और उसकी पेस क्या होती है और आपने जो वो राइफ़ल होता है वो पकड़ के चलना होता है और फिर एक टाइम होता है जब आप खड़े होते हैं और आप राइफ़ल को नीचे फेंकते हैं और फिर उसको यानी कि इस तरह के वो बस जाके नीचे फुल कमांडो टाइप जी जी और फिर वो सब सीखना तो उसमें ऑब्वियसली आपको होता है कि जब मेरा शॉट होगा तब कर लें और हम क्यों खड़े हुए हैं और तो उसमें मुश्किल होती थी बिकॉज़ हमें लिटरली कडेट्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था proper. तो प्रॉपर कडेट्स पे नहीं किया जा रहा था uh, <laughs> हाँ कडेट्स की तरह और उस तरह के बेनिफिट्स भी नहीं थे <laughs> नहीं <नाएं। laughs> तो uh, उसमें मुश्किल होती थी और जिस तरह जब हमें ड्रिल्स शूट करनी होती थी तो हम किसी चीज़ में चीट नहीं करते थे तो ah. नदीम भाई हमें सब कुछ कराते थे sure. तो अब अगर मुझे फियर ऑफ हाइट है और अगर छह फुट की वॉल पे चलना है और मुझसे नहीं हो रहा तो वो करना है खुद नदीम भाई वहाँ पे अपना कुरकुरे <laughs> चिप्स खा रहे हैं क्या है छह फुट की वॉल पे जड़ो या खुद भी वो भागते थे वो वो भागते थे हमारे साथ क्योंकि यू नो रॉनन पे होता था या हैंडल होता था तो वो साथ साथ होते थे क्योंकि लंबी ड्रिल्स होती थी राइट right. तो वो हमारे साथ होते थे तो so, ओवरऑल मतलब यू थिंक कि

क्या बात है तालिया <selective> नहीं लेकिन बचपन से जब इतनी अप्रिसिएशन मिले हर जगह लोग आपको मतलब दे आर अप्रिशिएटिंग यू दे आर जस्ट इन लव विद यू तो हाउ डू यू फील कभी कोई बहुत फैन टॉक्सिक नहीं हो गया कि सायरा तुम तो मेरी ही हो वो जिस तरह डर मूवी का शाहरुख खान भी कभी पीछे पड़ गया आपके नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ लेकिन आई थिंक मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करना मुझे खुद मैं

और कह लें कि हमारा हमें कितना काम मिलता है इनका एक उसमें इम्पैक्ट होता है लेकिन इन लोगों का हमारी खुशी में इम्पैक्ट नहीं होता खुशी हमें खुद से ही मिलनी है पब्लिक फिगर्स को बाकी सब चीज़ें इनसे आती हैं और उन चीज़ों का खुशी से लिंक ज़रूर होता है लेकिन हमारी खुशी हमारे अंदर से ही आती है लेकिन क्योंकि एक मोहब्बत का रिश्ता है तो बात जो सच की है हक़ की है वही मैं इनके साथ करूंगा दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो दिल में आए बोल दो तो अवाम आई लव यू आई होप यू लव मी टू वी आर हैप्पी फैमिली ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं क्या नाम है आपका कैसी हैं है आप? आप कैसे आप मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से बी बी ए कर अस्सलाम वालेकुम मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपने स्किप कर दिया हो ना किया और फिर आपको रिग्रेट हुआ कि मुझे कर लेना चाहिए था मेरे साथ ये बहुत होता है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मुझे छोड़ने पड़ते हैं मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता उनको छोड़ने का क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं लेकिन मुझे छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि मैं आ, अपनी वर्क लाइफ को बहुत पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी फैमिली लाइफ के साथ उसको बैलेंस करूँ तो फिर जब मुझे लगता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत टाइम के लिए कराची से घर से दूर है विच मीन्स कि मैं फिर अपनी बेटी से महीनों दूर रहूँगी तो फिर मैं वो नहीं करती तो ऐसे हैं बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं

विच एवर ऑन हमेशा बहुत प्यार मिला है हमेशा बहुत रिस्पेक्ट हमेशा बहुत अकोमोडेशन और बहुत अच्छे लोगों के साथ uh, काम करने का माशा सबके बारे में अच्छा कहती हैं ऐसे अगर लोग पाकिस्तान में हो तो इस मुल्क में तो ये आ, 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 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पीस पाकिस्तान बन जाए <laughs> सही बात है, क्या बात है? है क्या बात है यार ये बड़ी बात है वैसे कि मैं मान ही नहीं सकता ये बात तेतरे साल का करियर हो और कोई सेट पे कभी कोई

जी रखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन <laughs> नहीं नहीं पूछो <पुझो>, पूछो <laughs> क्या सवाल है? मेरा सायरा मैम के लिए सवाल है कि आपका तो मूवीज में एक्सपीरियंस है काफी तो अगर आप खुद से एक मूवी बनाएं और मोमिन भाई उसके हीरो यार मेरे से तो ले ले मत पूछा करो यार सवाल उसका क्या जेनरे होगा और उन, उनके लिए हीरोइन कौन सी सूट करेगी इनके साथ hmm. यार मुझे मैं लोगों को अच्छा कर रहे हैं, तो लोग मुझे कर देते हैं। नहीं नहीं किसी को नहीं करना। I think आपके लिए जॉन्रा होगा चिक्ल आई थिंक योर एनर्जी है ना थोड़ी सी थोड़ा सा बोला तो मेरे माइंड में स्टारिया के साथ काम किया वैसा ही होगा ठीक है खुश है तसली तो हो गई पेपर में यही लिखा लिखा कोई होगा हो ना आगे तू ये ठीक है थैंक यू मेरी जान बिलाल एक फेवर कर सकते हो मुझे जी जी लाइफ में खुश रहना जी, अगला सवाल थैंक यू असल ब्रदर क्या नाम है आपका मेरा नाम मिर्जा है फिर बोलना मिर्जा मोहसिन का नाम वीलॉग थार थे दादापुर जी जी अच्छा वेरी गुड उस वक्त

सवाल लाए हो सायरा जी जी बिल्कुल पूछो फिर मैम आपने पीएमए के लिए ना ट्रेनिंग की थी जी। तो आपने उसके बाद कभी किसी को पकड़ के मारा भी है या नहीं मौका नहीं मिला <laughs> अगर मिल जाए आज जरूर मारेंगे चलें ठीक है मैं हाजिर हूँ। <laughs> माशाल्लाह चलें ठीक है चलें ठीक है मैं हाजिर हूं नहीं नहीं ऐसे नहीं <laughs> नहीं हां एक्चुअली पीएमए में जो हमारा जो मेरा मार्क एक थप्पड़ वाला सीन था ना वो मुझे आ, मुझे बुरा लगता है किसी को एक्चुअल रियल थप्पड़ मारते हुए और नदीम भाई ने कह दिया कि नहीं आपने इसको रियल थप्पड़ मारा नहीं 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 मैंने रख रख के थप्पड़ मारे थे उसे जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है ब्रदर आ, मेरा नाम सलमान शेख है शेख साहिब क्या करते हैं

हाँ उसके साथ उसके साथ भी एक डिसिप्लिन कुछ, कुछ है उसके साथ मैं अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखती हूँ मैं आ, वो चीजें नहीं करती जिससे एजिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है जैसे कि शुगर इनटेक कम है यस yes, शुगर इनटेक कम है पूरी कोशिश करती हूँ गुड़ खाऊं और रिफाइंड शुगर ना खाऊं गुड़ खाती हूं right? जी अच्छा नंबर 2 पूरी कोशिश करती हूं कि खाना खाऊं फूड नंबर क्योंकि आपकी स्किन पे उसका असर होता है वो कौन से खाने हैं जो आपके स्किन के लिए अच्छे होते हैं वो मैं खाती हूँ uh, प्रॉपर uh, पूरी कोशिश करती हूँ अपनी नींद लू और फिर एक जो आपका होता है ना एक नाइट रूटीन बिफोर स्लीपिंग आपकी स्किन को चाहिए होता है मॉइस्चराइजर ये वो हम कहते हैं कोई बात नहीं कुछ नहीं कर सकता आपको पता है ठीक <laughs> है <laughs> मैं वैसे और मैं यूज करती हूँ सारे नेचुरल जैसे कि ऑर्गेनिक ऑयल्स कोकोनट ऑयल हो गया वाटरमेलन सीड ऑयल हो गया ये ये आप देख रहे हैं इसने देख मुझे, मुझे लगता है वो अपना गाड़ी के नंबर फोर नंबर फाइव गुड पॉजिटिव पीपल अराउंड यू सो आई वॉज जस्ट गुड पॉजिटिव थॉट सोच विचार जो है वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करते हैं पांच हो गए जी नंबर सिक्स को ही चूज करते हैं नंबर सिक्स एक्सरसाइज एक्सरसाइज डेफिनेटली यस yes. रनिंग हो जाए या थोड़ा जिम चले जाएं, या जिस तरह की भी एक्सरसाइज ये सब इस सब से आप बहुत फिट और आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो आप उसको बहुत डिले कर सकते हैं नंबर सेवन बी एक है और उसको मैं सवाल की सूरत में आपसे पूछूंगा इफ यू कम अक्रॉस नेगेटिविटी आप उससे किस तरह डील करती हैं एज अ पब्लिक फिगर यू आर ऑन सोशल मीडिया यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर व्हाट पीपल कैन जस्ट लोग जाके टाइप आपके बारे में कर दें लोग आपके बारे में कॉमेंट्स कर दें पब्लिक फिगर है इतना तो आई थिंक दिस इज द प्राइस वी पे फॉर पब्लिक फिगर्स हाउ डू यू एम श्योर वो भी आपकी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है लेकिन आपका वो उससे डील करने का तरीका क्या है क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई भी इंस्परेशन होना फ्रॉम नेंसल मंडेला टू मार्टर लूथर किंग टू आपके माँ बाप Criticize हो और लोगों ने उनके खिलाफ बातें ना की तो, तो होना है लेकिन सवाल है आप उससे डील कैसे करते हो तो मैंने कर दी uh, is, ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि इससे आपका मेंटल पीस बर्बाद हो जाता है अगर आप इसको अपने सर हावी कर दें तो एक तो मैं ये करती हूँ कि मैं इग्नोर करती हूँ आई डोंट गो इन टू कॉमेंट्स हु सिंग वॉट लेकिन अगर कुछ आ जाए सामने आपके तो आई ट्राई माई बेस्ट टू एम्पथाइज विद द पर्सन कि कोई ऐसी बात क्यों करेगा पब्लिकली चलो यार लाइक यू नो आई होप दिस पर्सन फील्स बेटर इनफ टू नॉट से समथिंग दिस रूड टू समबड़ी तो उनके लिए बस यही होता है कि कि तो उसकी जिंदगी के कोई मसले चल रहे होंगे हाँ, जिनकी वजह से उसने ये बोल दिया सी द वर्ल्ड थ्रू द आईज ऑफ अनदर पर्सन यस नंबर 8 हद कर दी पे गई आप जी आया ये उससे गयार भी गयार आपकी आ रहा है वेलनेस ठीक है तो उससे तो फिर रिंकल्स आ जाएंगे ना हंस हंस के देखिए यार यहां पे मेरे हाथ पिघल गए क्या बे क्या बात है यार भरपूर खा लिया वेलकम बैक कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे ये जो बातों का सिलसिला है सायरा जी के साथ ये अभी खत्म नहीं हुआ अगर आपको लग रहा था कि शो एंड होने वाला है तो गलत लग रहा था ऐसी बातें मत सोचा करो सायरा जी से सवाल पूछे पूछता हूँ सुन ली है जी, जी. अगर आप होती तो क्या होती एक्चुअली आप एक्ट्रेस नहीं है आप और भी बहुत कुछ करती हैं मॉडल भी हैं विजय भी रही हैं बट मुझे एक्टिंग बहुत आई एंजॉय बट अगर ये ना करती लाइफ में तो क्या करती फिर मैं शेफ होती अच्छा और आपकी फेवरेट डिश क्या क्या बनाना पसंद करती हैं मैं क्या बनाना पसंद करती हूँ uh, मैं एक्चुअली आई लाइक टू स्टर अप माय ओन रेसिपीज अच्छा आई एंजॉय दैट तो उसमें मैं बनाती हूँ like, ऐसी बताएं कि लोगों को पता ही ना हो क्या कोई ऐसी रेसिपी हाँ को, कोई रेसिपी I mean, आजकल हमारे लोगों को तो सिर्फ मुंह बनाना आता है सेल्फी के लिए <laughs> आप नई रेसिपीज बनाती हैं <laughs> नहीं जैसे लाइक यू नो आई मेक दिस फिश आई फील लाइक फिश और मस्टर्ड बहुत साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है तो आई मेक दिस बेक्ड फिश विद मस्टर्ड सॉस फिर मैं बनाती हूं चॉप्स बनाती हूं एंड आई मेक इट विद दिस क्रैनबेरी सॉस बिकॉज आई फील लाइक चॉप्स और क्रैनबेरी गोस रियली वेल टुगेदर तो इस तरह like,

मैं कुछ डायलॉग्स मेरे पास है जिनको आपने एक सर्टेन इमोशन में बोलना होगा तुम समझते क्यों नहीं तुम्हारे पास दो मिनट और रुकी तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा ये गुस्से में बोल रही है तो दो मिनट लाइन मिनट और रुकी तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा अच्छा तुम समझते क्यों नहीं अगर मैं दो मिनट यहाँ और रुकी तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा नहीं समझना चाहता मैं वालिया वेरी नाइस अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी को अब आपकी जरूरत नहीं है ये रहा आपका लेटर आपके काम का बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी कल से मत कीजिएगा ओह एंड गुड लक ये एडवरटाइजिंग बोल आपनेटली कल से आपकी जरूरत नहीं है तो आप मत आइएगा ये, ये रहा आपका लेटर एंड ओ गुड लक तालियां जॉब गई लेकिन फिर भी तालियां लास्ट मैं उड़ना चाहती हूं गिरना चाहती हूं दौड़ना चाहती हूँ बस पुप्पो के बेटे से शादी नहीं करना चाहती ठीक है। <laughs> क्या होना आप लोग बताएं बताए नहीं नहीं ये तो सिचुएशन ही सैड है ना सैड सैड को वेज में नहीं उड़ना चाहती हूं दौड़ना चाहती हूँ क्या है मैं उड़ना चाहती हूं गिरना चाहती हूं दौड़ना चाहती हूं ठीक है मैं उड़ना चाहती हूँ गिरना चाहती हूँ दौड़ना चाहती हूँ पुप्पो के बेटे को छोड़े लाइन चेंज कर देते हैं पर मैं अमीर नहीं होना चाहती ठीक है हाँ ये ठीक है ठीक है मैं उड़ना चाहती हूँ गिरना चाहती हूँ दौड़ना चाहती हूँ बस मैं अमीर नहीं होना चाहती ठीक है आ, सही है ओके okay. ये बेहतर है ठीक है ठीक है uh, सही है क्यों कैसे इमोशन क्या था कुछ भी सर ओके ठीक है ड्रामेटिक करते हैं रोमांटिक रोमांटिक नहीं ड्रामेटिक नहीं, नहीं, अच्छा मुझे ड्रामेटिक ड्रामेटिक ठीक है लाइक यू नो जस्ट ओके मैं उड़ना चाहती हूँ दौड़ना चाहती हूँ गिरना चाहती हूँ तो <laughs> okay? हाँ। उड़ना चाहती हूँ दौड़ना चाहती हूँ गिरना चाहती हूँ बस अमीर नहीं होना चाहती अरे पैसे का तेरे को क्या पता कितना जरूरी है लेडीज बॉयज एंड गर्ल्स अंकल एंड दोस्तों बुजुर्गों उम्मीद करता हूं आप शो एंजॉय कर रहे होंगे और अगर आप लगता है आप नहीं कर रहे तो अपने आपके साथ सच बोलना शुरू कर दें क्योंकि अगला सेगमेंट सेगमेंट है बहुत ही कमाल और आप सबका फेवरेट लिपसिंग बैटल जिसमें आप देखते हैं कि जब आपके फेवरेट स्टार का फेवरेट गाना लगे तो वो उसको किस तरह गुनगुनाते हैं एंजॉय करते हैं और वो उस गाने में डूब से जाते हैं तो चलते हैं लिपसिंग बैटल की तरफ पूरा सेट चेंज हो जाएगा माहौल बदल सा जाएगा और लिपसिंग बैटल आ जाएगा द फर्स्ट सॉन्ग इफ यू रेडी आपकी फरमाइश पर uh, रेहाना एक बड़ा कदीमी नाम है इंटरनेशनल स्टार है yes. हमारे दिलों के करीब है रिहाना आपा का गाना लगेगा वी फाउंड लव इन होपलेस प्लेस कितनी बड़ी बात की कि जब एक आप होपलेस ऐसी जगह पे हो जहां आप होपलेस है वहां अगर आपको मोहब्बत मिल जाए इससे बढ़ के क्या हो सकता है शुरुआत करते हैं मैं आ, आ जाए प्लीज अच्छा। लगाए गाने को मेरे एंट्री ऐसे दी है जैसे पता नहीं कोई गजल है लाइफ में हमेशा मल्टीटास्किंग करनी है डायवर्सिटी बड़ी जरूरी है आपने हमें एंजॉय करता देखा आपने इंजॉय किया और आपको रेहाना जी की तरफ से आ, उनके लिए खुशियों का पैगाम है uh, उनकी तरफ से एक बड़ा कदीमी इंपॉर्टेंट मैसेज भी था इस पर आप क्या, कहेंगी? Hope क्या है आपके लिए सायरा जी आई थिंक होप इज लव ही होप है लव क्या है hope? और hope लव होप है होप लव है इज इक्वल टू एम सी स्क्वेर तालिया <laughs> जब आप जब आप जिंदगी में खुश होते हैं तब आप गानों को एंजॉय करते हैं और जब आप जिंदगी में दुखी होते हैं आप गानों को समझते हैं तब आप दुखी गाने सुनते हैं मैं नहीं इंसान हाँ इंसान तब आप फिर दुखी गाने सुनते हैं तो अगला गाना है इनकी मूवी का बेबी लिशियस का बड़ा ही मजेदार जिसको सुनकर आप होंगे बहुत एंटरटेन मैंने अभी सुना और मैंने कहा अरे यार क्या बात है कमाल कर दिया गाना यही होगा और यही गाने का मतलब है यही होगा तो गाना लगा लेट्स डू दिस बात है यार क्या बात है दिल पे डाके तूने डाले अच्छा। क्या बात है ऐसे ही है ना और उसके बाद क्या लाइन थी आ, थोड़े मन के ताले अरे थोड़े जाने मन जाने के... किस रास्ते पे लगा गया बहुत बड़ी बात है इस बात पर आप रिफ्लेक्ट करें सोचें कि क्या आपने किसी के दिल पे डाका अगर डाला है तो उसको मतलब तो डाका डाले कब्जा ना कर ले <laughs> हमारी ख्वाहिश है कि जिंदगी में एंजॉयमेंट हमेशा चलती रहे चलती रहे चलते रहे लेकिन जिंदगी में ऐसा होता नहीं है हर चीज को कभी ना कभी आकर रुकना पड़ता है अगर आप थक जाओ आप ब्रेक ले लो लेकिन कभी क्विट ना करना इसलिए हम भी थके नहीं है लेकिन हमारे चैनल का सिलसिला कुछ ऐसा कि ब्रेक लेनी पड़ती है तो छोटी सी ब्रेक लेंगे इस तरह जाकर इस तरह के आपने कहीं नहीं जाना की वॉचिंग हद कर दी दीन साकिब थैंक यू वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक अच्छा नहीं लगता जब आप दूर चले जाओ इसलिए मैंने कहा जल्दी से वेलकम बैक करते हैं और शो को शुरू करते हैं हम आपके दोस्तों के कुछ नाम यहाँ लेकर आएंगे और आपको उनकी एक ऑनलाइन दोस्ती प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी ठीक है आर यू रेडी इफ यू आर थैंक यू प्रोड्यूसर साहब दोस्ती प्रोफाइल चलें जी पहले हमारे भाई आ गए अकेले में मुझे डैश करना पसंद है रीडिंग राइटिंग टॉकिंग वॉचिंग आई थिंक अकेले में हाँ जस्ट राइटिंग आप वो कर रही है आपके दोस्त नहीं है वो वो जानते भी नहीं आप <laughs> इनको कर दे राइटिंग uh, में राइटिंग हाँ मेरी ब्राउजर हिस्ट्री में हमेशा आपको डैश मिलेगा हाउ टू मेक मोर मनी आई थिंक अच्छा हाँ ओके okay, ओके okay. मैं डैश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ डैश uh, के लिए कुछ भी कर सकता हूँ hmm.

अच्छे इंसान है आप एक बड़े समझदार इंसान है और आप फुल ऑफ गुड वाइब्स हैं तो इनके लिए तालियां

साइड पे हो जाते हैं बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात है दिल भाई इसी तरह करना चाहिए वो कहते हैं गुस्सा आया हो खड़े हो तो बैठ जाओ बैठे हो तो खड़े हो जाओ समथिंग है तो लेट जाओ हाँ, डन मुझे डैश करने वाले लोग बहुत पसंद हैं मुझे डैश करने वाले लोग बहुत पसंद हैं मुझे अह आ... प्यार करने वाले लोगों की मदद करने वाले गुदगुदी हाँ। करने वाले आई थिंक फॉर हिम वुड बी ऑथेंटिकली अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले ट्रांसपेरेंट लोग।, लोग मुझे बहुत पसंद है yes. क्या बात है ऑफ स्क्रीन में बहुत ही डैश इंसान हूँ ऑफ स्क्रीन में बहुत ही ऑफ स्क्रीन आई मीन ऑन स्क्रीन तो कैरेक्टर्स होते हैं ऑफ स्क्रीन में यू नो डीप बहुत डीप इंसान है फॉर श्योर तालियां इनकी दोस्ती नेक्स्ट <laughs> अरे कुबरा आपकी दोस्त जी

करने से पहले ऑफ कोर्स देन दैट्स वेरी गुड थिंग अह गुस्सा आने पे मैं डैश करती हूँ आई थिंक ये भी गुस्सा आने पे साइड पे हो जाती है शी डजंट शी डजंट लैश आउट और यू नो अह मुझे डैश करने वाले लोग बहुत पसंद हैं होंगे उसको पसंद क्या कौन से वाले खाना खाने वाले लोग तो साथ पूरा पाकिस्तान से पसंद है उनको खाना खाने का हाँ, शौक है उन्होंने हाँ, बताया था हमें हाँ, तो इन्होंने, think, हमें अपना एक embarrassing moment भी बताया था सेट पे। क्या? इन्होंने, आलू के पराठे बहुत खा हाँ, बस फिर तो आपको पता ही है I think so. हाँ, इन्होंने हमें बताया था। <laughs> आपका कोई मोमेंट हुआ है सेट पे याद हो मैं सोच के आपको बताती हूँ इंसान तो इंसान वो मोमेंट्स के बारे में भी बुरा नहीं कह सकती क्या कमाल इंसान है <laughs> मुझे डैश करने वाले <laughs> लोग बहुत खाना ऑफ स्क्रीन में बहुत थी डैश इंसान हूँ ऑफ स्क्रीन में बहुत हाँ ऑफ स्क्रीन कुबरा इज लविंग बहुत जेन्युइन शी इज वेरी लविंग केयरिंग थॉटफुल एंड दैट इज हाउ यू शुड बी अकेले में मुझे ताले फैंस हैं इनके फैंस हैं फैंस अकेले में मुझे डैश करना पसंद है अकेले में मुझे डैश करना पसंद है um, सोचना आई थिंक इफ आई एम नॉट रोंग बिकॉज ओके लेट मी ट्राई अकेले में मुझे आई थिंक आई डोंट आई थिंक द सजल ज्यादातर शी इज मोस्टली वर्किंग सो आई डोंट नो इफ शी स्पेंड्स

अपने लिए शी नो वेरी, गुड हां मैं लाइन वो कंप्लीट कर डैश yes. करने से पहले मैं कभी नहीं सोचती नहीं आई थिंक सज्जल चीजों के बारे में सोचती है सोचकर संजीदा तरीके से आई थिंक डिसीजन लेती है आई थिंक लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन अगर लेना हो आई थिंक सो वेरी गुड आई होप नॉट रॉन्ग इट्स ओके यू कैन स्टिल बी रॉन्ग वी कैन ऑलवेज गुस्सा आने पे मैं डैश करती हूं अ uh, गुस्सा वैसे मैंने देखा नहीं है सजल का कवि, बट आई नो कि गुस्सा आने पे सजल जो है वो न, 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 न। hmm. लेकिन वो नहीं मैंने कभी देखा नहीं है सेट पे एंड आई थिंक शी प्रोबली कंट्रोल द रोड इस इस शो के थ्रू मुझे सब के बारे में सब पता चल जाता है तो फिर माशाल्लाह मुझ पे डैश करने मुझे डैश करने वाले लोग बहुत पसंद है सजल का जो सजल की जो पर्सनालिटी है शी इज़ वेरी फन लविंग बिल्कुल ठीक है तो आई थिंक उस फिर फन लविंग लोग ही पसंद आते हैं आपको ऑफ कोर्स फन लविंग लोगों को फन लविंग लोग ही पसंद जी. आते हैं ऑफ स्क्रीन में बहुत ही डैश इंसान हूं ऑफ स्क्रीन फनी है सजल फनी है तालियां जी सायरा जी लाइफ का कोई एक ऐसा फियर जो ओवरकम कर लिया है या करना ओवर बहुत से हैं जो ओवरकम करने हैं ठीक है और फियर एज सच मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं लाइफ में किसी चीज़ को फियर ना करूँ बिकॉज आई कीप फियर फॉर जस्ट यू नो अल्लाह सो सो दैट्स आई डू एंड आई जस्ट मेक श्योर कि दिस थाट इज ऑलवेज एट द बैक ऑफ माई माइंड कि मैं जो भी कर रही हूँ यू नो अल्लाह इज़ वॉचिंग सो इन दैट सेंस आई आई ट्राई नॉट टू फियर अदर थिंग्स बिकॉज आई पुट माई फेथ इन अल्लाह बहुत प्यारी सोच है बहुत हाँ. प्यारी सोच है थैंक यू <laughs> हमें आपके साथ बहुत हमने इन्जॉय किया आपकी बातों से हमने बहुत कुछ सीखा वी गॉट वी बहुत एंटरटेनमेंट भी मिली शो जहाँ पे हमारा एंड होने पर आ गया एक हमारा छोटा सा सेगमेंट रहता है लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आई 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 मेट मेट यू 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 फॉर फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ हैव नेवर बिफोर तो अ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड योर वे आर एज पर्सन बट आपका आज जो ये हद कर दी में

मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ आप हंस रहे हैं खेल रहे हैं वहीं हंसने के साथ साथ हमें माशरे की उन तल हकीकतों पर गौर करना है जिनको हमारे गौर की ज़रूरत है जिससे हम गुड ग्लोबल सोशल सिटीजन्स बन के सोसाइटी को बेहतरी की तरफ लेकर जाएँ इसीलिए हम अपने शो को एंड करते हैं हमारे गौर करो सेगमेंट से तो चलते हैं गौर करो की तरफ गौर करो में आज हम जिस मसले पर बात करने जा रहे हैं वो हमारी आवाम की जिंदगियां ख़त्म कर रहा है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा मैं बात कर रहा हूं एच की जिसको रोकना हम सबके हाथ में है पुअर मेडिकल प्रैक्टिस खासतौर पर ब्लड कॉन्टैक्ट बार बार शॉप्स और यूज इंजेक्शन एच आई वी को फैलाने का सबब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक मुल्क की फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन ने कभी एड्स के बारे में सुना भी नहीं एंड टू थाउजेंड नाइनटीन में हमने देखा कि अट्ठाईस हज़ार से ज्यादा केसेस सिर्फ सिंध में सामने आए कंटेजियस डिजीज इलाज के साथ साथ अवेयरनेस मांगती हैं ताकि उनका फैलाव रोका जा सके हम सब ने गौर करना है कि हम एच को कैसे फैलाने से रोक सकते हैं बार बार की शॉप पर जाकर स्टरलाइज चीज़ें यूज़ करनी है डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाते हुए मेक श्योर करना है कि जो सरिंज है वो आपके सामने डिस्पोज कर दी जाए एहतियात इलाज से बेहतर है सायरा जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है और आ, मैं तो यही कहूँगी कि अगर आ, हेल्थ है तो सब कुछ है बिल्कुल थैंक यू सो मच इस बात पर आप गौर करें और मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़